मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों मैं आज सबके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सैंडविच, वो भी एक अलग तरीके से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अम्बाला की फेमस सैंडविच, जो कि घर पर भी हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। खाने में ये बहुत ही टेस्टी और इस सैंडविच का जो टेस्ट है बिल्कुल डिफरेंट आता है। तो आइए दोस्तों अब हम इस रेसिपी को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। सबसे पहले हम इसका स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए मैंने दो प्याज ले लिया है और दो हरी मिर्च ले लिया है। प्याज को दोस्तों हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आपको बिल्कुल बारीक पीस को चॉप करना है, अगर हैंड चॉपर है तो आप उसकी सहायता से भी इसको एकदम बारीक कर सकते हैं। आप ध्यान रखें दोस्तों, हमें बिल्कुल ही बारीक चॉप करना है, इसके बड़े बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि इसमें जो स्टफिंग है बहुत इजी स्टफिंग है और कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आलू है। बिना आलू के बहुत अच्छी सैंडविच है और बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। हम पूरी प्याज को इसी तरीके से बारीक काट लेंगे। हरी मिर्च को भी हमें बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है, क्योंकि इसकी जो स्टफिंग होती है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप रहेगा, ताकि प्याज और जो हरी मिर्च है वो एकदम से बड़े बड़े टुकड़े ना हो। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसमें हरी मिर्च भी काट ली है। इसी को यही हमारी सिंपल चीज़ की स्टफिंग रहती है। सबसे अच्छी बात, बनाने में बहुत ही ईजी है और खाने में भी एक डिफरेंट टेस्ट है सैंडविच का। ये देखिए दोस्तों, हमने प्याज और हरी मिर्च को काट लिया है। इन दोनों को हमें मिक्स ही करना है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके भी एक बार चाकू और चला देंगे, ताकि अगर कोई बड़ा टुकड़ा रह गया हो तो ये अच्छे से बारीक हो जाए। इन दोनों को हमें अच्छे से बारीक करना। अगर आपके पास हैंड चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से ये जो प्याज है टमाटर बहुत अच्छे से चॉप हो जाते हैं। इसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों का मसाला तैयार करना है सैंडविच के लिए। ये देखिए, दोनों को मैंने अच्छी इस तरीके से इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। आप जैसा चाहें इसमें, अगर और भी वैसी तो अगर अम्बाला सैंडविच अगर आपने खाई हो तो इसमें प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया ही रहता है, बाकी और कोई मसाले इसमें नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपको अपने लिए कुछ ऐड करना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरे धनिया को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसको भी हम अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। बहुत टेस्टी है दोस्तों। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। आपको ये बहुत पसंद आएगी अम्बाला सैंडविच, और खाने में भी दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए, इन तीनों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, क्योंकि इसका जो मसाला होता है वो थोड़ा चटपटा होता है। थोड़ा सा दोस्तों हम इसमें नमक मिलाएंगे, सिर्फ टेस्ट के लिए हमें इसमें उतना ही नमक का ऐड करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया डाला है, इसलिए आप ध्यान रखें नमक हमें सिर्फ इसमें उतना ही यूज करना है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है, और ये हमारी जो सैंडविच की जो स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। अब हम इसमें पनीर ले लिया है। यहाँ लगभग मैंने 200 ग्राम पनीर का यूज़ किया है, और पनीर को हम ब्राइड जैसे स्लाइसेस में इसको कट कर लेंगे। एकदम पतला पतला दोस्तों हमें इसे कट करना है। पहले इसके साइड की जो एक्स्ट्रा पनीर है वो हम निकाल देंगे, कि एक जैसा रहे बिल्कुल चौकोर। ये देखिए, एक जैसा बिल्कुल हमने इसे कर लिया है। अब आपको इसे बिल्कुल संभल कर बिल्कुल पतला पतला काटना है। आपको एकदम मोटा सा नहीं लेना, एकदम पतला मोटा, जो एकदम नॉर्मल साइज के हमें इसके स्लाइसेस करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमने पनीर को पकड़ लिया है, और इसके हम इस तरीके से इसके स्लाइसेस कर लेंगे। आपको आराम से इसके स्लाइसेस करना है। ये देखिए, इस तरीके से हम पनीर के स्लाइसेस कर लेंगे। खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगती है और एक डिफरेंट टाइप की सैंडविच है, तो आपको इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग लगेगा। आप एक बार इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर देखें, गेस्ट के आने पर भी अगर बनाए बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। पनीर के जब हम ऐसे स्लाइसेस कर लेंगे, इस पर हम थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ताकि पनीर में जो है थोड़ा सा टेस्ट रहे। और इसके बाद दोस्तों हमें, आप चाहें तो इस पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जैसे फ्लेवर में अगर आपको पसंद हो। अगर आपको इस पर चाट मसाला डालना हो तो आप इस पर चाट मसाला डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाला है। यहाँ मैंने ब्राउन सैंडविच ले लिया है, होल व्हीट मेरा जो सैंडविच है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर वाइट ब्रेड लेना है तो आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। जो ब्रेड आपको लेना वो ब्रेड आप ले सकते हैं। ब्रेड के एक साइड मैंने बटर अप्लाई कर दिया है। ये देखिए, इस तरीके से बटर हम अप्लाई कर देंगे। दूसरी ब्रेड की भी एक साइड हमको बटर अप्लाई करना है, और थोड़ा सा हम इस पर हरी चटनी रखेंगे। ये देखिए, इस हमें हरी चटनी जो हम अपना हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च की जो हरी चटनी बनाती है वो यहाँ मैंने हरी चटनी ली है। ये देखिए, जो नॉर्मली हम सैंडविच में यूज़ करते हैं
मतलब ब्रेड के एक साइड हमने बटर लगा लिया है, दूसरी साइड मैंने हरी चटनी लगा ली है। दोस्तों ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आता है। अब हमने जो स्टफिंग तैयार की थी प्याज और हरी मिर्च की, वो हम इसको फिल कर देंगे उससे। आपको अच्छे से ये फिलिंग इसके अंदर फिल करनी है ताकि कहीं भी ऐसी वेकेंसी ना लगे कि इसके अंदर फिलिंग नहीं है। और इसके ऊपर हम जो पनीर का जो स्लाइस है वो इस तरीके से रख देंगे और दूसरी ब्रेड जिस साइड से हमने बटर लगाया था उसके ऊपर से इसको ढक देंगे। ये देखिए इसी तरीके से दोस्तों हम अपनी जो सारी सैंडविचेस हैं वो तैयार कर लेंगे। एक साइड हमने बटर लगाना है, दूसरी साइड हम इसके हरी चटनी लगाएंगे। खाने में दोस्तों बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी सैंडविच लगती है एकदम डिफरेंट टेस्ट के साथ। ये देखिए इसी तरीके से हम दूसरी सैंडविच भी अपनी तैयार कर लेंगे। आप बाकी सैंडविचेस भी दोस्तों इसी तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने दूसरी सैंडविच में एक साइड हरी चटनी लगा दी है और इसमें जो हम स्टफिंग हमने फिल किया था वो स्टफिंग इस तरीके से हम इसको फिल कर देंगे। अब हमें इन्हें सेकना है। यहाँ दोस्तों मैंने सैंडविच मेकर ले लिया है, आप चाहे तो तवे का यूज कर सकते हैं, चाहे तो ग्रिल पैन का भी यूज कर सकते हैं। इसके दोनों साइड हम इस तरीके से बटर लगा लेंगे ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से सिक जाए और ब्रेड बिल्कुल भी इसमें चिपके नहीं। ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों साइड इसके पैन के अच्छे से बटर अप्लाई कर लिया है। अब हम ब्रेड की सैंडविच को इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए दोस्तों सैंडविच मेकर में हमने इस तरीके से सैंडविच को रख दिया है। इसके एक साइड और हम बटर अप्लाई कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको बटर अप्लाई कर देंगे और इसको हमें अच्छी तरीके से सेकना है। आप चाहें तो तवे का यूज भी कर सकते हैं, आपको जिस पे चाहे उस पे आप सैंडविच को सेक सकते हैं इसको। ये देखिए मैंने दूसरी साइड भी बटर अप्लाई कर दिया और इसको हम ढककर सेकेंगे। इसको हम इस तरीके से बंद कर लेंगे सैंडविच मेकर को और इसे दोनों साइड से हम पलट देंगे और इसे दोस्तों हमें क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से अच्छी तरीके से सेकना है। आप चाहे तो सैंडविच को तवे पर भी सेक सकते हैं और चाहे तो आप ग्रिल पैन का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा पलट पलट के दोनों साइड से अच्छा सा सेक लेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी तो सैंडविच कच्ची है, हम इसे वापस से पलट देंगे और इसको इसी तरीके से हम सेकेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी जो सैंडविच है वो बनकर तैयार हो गई, एकदम क्रिस्पी सैंडविच ये सिक गई है। हम इसी तरीके से अपनी बाकी सारी सैंडविच को भी सेक लेंगे। खाने में दोस्तों ये बहुत टेस्टी लगती है और इसका जो टेस्ट एकदम डिफरेंट आता है। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए हमने इसी तरीके से अपने जो सारे सैंडविच है वो बना लिए हैं। ये देखिए हम इस तरीके से तोड़कर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अम्बाला की फेमस सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। एक बार दोस्तों इस तरीके से आप बनाकर जरूर देखें, आपको बहुत पसंद आई है। ये देखिए बीच में जो हमने पनीर लगाया था वो भी अच्छे से दिख रहा है। ये देखिए सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। एक बार दोस्तों इस तरीके से जरूर बनाए, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर पसंद ना आ रही हो तो डिसलाइक करें, लेकिन एक बार बनाकर जरूर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। बस बच्चों के लिए अगर आप इसमें मिर्ची का यूज ना करें, और एक डिफरेंट रेसिपी है सैंडविच की, आप इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। इसको सौत और हरी चटनी के साथ सर्व करें। हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो गई है, एक बार इसे जरूर बनाएं और अपना रिव्यू मुझे दे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। और दोस्तों मिलती हूँ मैं अगली रेसिपी में, तब तक ये रेसिपी को एंजॉय करें और नित्या मॉम्स किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।